भारत में कोरोना जिस तरह से कोहराम मचा रहा है उसे दुनिया का कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम झेल नहीं सकता। अस्पतालों में न बेड खाली है, न शमशान में चिता जलाने के लिए जगह। लगातार सातवें दिन देश में 3 लाख से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए और मौत का आंकड़ा 3,000 के पार पहुंच गया। कोरोना पर किए जा रहे प्रोजेक्शन की माने तो 1 मई तक भारत में 2 करोड़ से ज्यादा संक्रमण के केस हो गए। तो वहीं भ्रमर मुखर्जी जैसे कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब भारत में एक दिन में 4 से 5 लाख केसेस हर दिन रिकॉर्ड किए जाएंगे। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के 2 विशेषज्ञों गिरिधर बाबू और दीपा आर से बात की और समझने की कोशिश की कि कोरोना की इस दहशत भरी पीक को रोका कैसे जा सकता है। विशेषज्ञों ने कोरोना की दूसरी पीक को रोकने के लिए 3 प्रमुख बातों का जिक्र किया। पहला, कोरोना के संक्रमण के फैलने की जांच करना। दूसरा, कोरोना को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन बनाना। और तीसरा, वैक्सीनेशन। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना को पहले ही लेवल पर रोकना सबसे जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को कोरोना के लक्षण होते हैं तो उसी वक्त मरीज और उसके आसपास के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच और इलाज शुरू कर देना। सिर्फ यही नहीं, ऐसे जिलों या इलाकों में राज्य सरकारों को लॉकडाउन या कंटेनमेंट जोन बना देना चाहिए जहां केस अभी तक सबसे ज्यादा आ रहे हों, जिन्हें कंटेनमेंट जोन या फिर माइक्रो कंटेनमेंट जोन कहा जाता है, ताकि कोरोना की चेन को शुरुआती दौर में ही तोड़ा जा सके। कोरोना के शुरुआती लक्षणों की जांच होना सबसे जरूरी है और इलाज होना भी। और फिर आता है वैक्सीनेशन। विशेषज्ञों की माने तो वैक्सीनेशन 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए खोल लेना सबसे प्रभावी कदम साबित हो सकता है। सरकार के ही आंकड़ों में देखा गया है कि जिन लोगों को कोरोना के लक्षण वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद दिखे हैं वो 0.03 से 0.04% है। हालांकि वैक्सीन को ज्यादा तेजी के साथ लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। भारत में अभी तक 130 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 12 करोड़ डोजेज ही लगी हैं, जो कि कोरोना के प्रसार को रोकने में निष्प्रभावी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सही वक्त है जब सरकार अपने हेल्थ सिस्टम को सुधारने के लिए जरूरी प्रयास करे। इस महामारी ने बता दिया है कि कैसे हर लहर ने भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से कैसे अलग है। विशेषज्ञों की माने तो इस बार वायरस ज्यादा संक्रामक है, खासतौर पर ब्रिटेन और बंगाल का कोरोना वेरिएंट, जो 50% ज्यादा संक्रामक साबित हो रहा है। साथ इस बार असिम्प्टोमेटिक लोग भी कोरोना का प्रसार ज्यादा कर रहे हैं कैरियर बनकर। 80 से 85% लोग कोरोना के असिम्प्टोमेटिक मरीज हैं, यानी कि इन्हें कोई लक्षण नहीं है लेकिन फिर भी ये दूसरों तक वायरस पहुंचा रहे हैं। दूसरा कारण है कंटेनमेंट जोन की निगरानी में ढिलाई बढ़ती गई। पहले एक सोसाइटी में जब एक केस होता था तो टावर तक को सील कर दिया जाता था, लेकिन अब फ्लोर तक को सील नहीं किया जा रहा है। इस बार प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सख्ती करने पर कोताही बरती है। और तीसरा कारण है ये कोरोना पिछली बार से ज्यादा संक्रामक है। पहले जब एक परिवार में एक को कोरोना होता था तो सारे प्रोटोकॉल निभाने के बाद कोरोना परिवार के बाकी लोगों को नहीं फैलता था, लेकिन इस बार कोरोना परिवार के हर सदस्य को चपेट में ले रहा है। और यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इन्हीं संक्रामक लक्षणों को देखते हुए ये कहा है, सभी लोग जो घरों पर हैं या फिर होम आइसोलेशन में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, उन्हें फेस मास्क लगाना जरूरी है। अगर आप देखें कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च हुई है, उन्होंने पाया है कि अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग से हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, तो उन्होंने देखा है कि एक आदमी अगर कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स को फॉलो ना करे तो 30 दिन के अंदर वह 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। हालांकि 1 मई से सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए वैक्सीन लगाने के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन इसके बावजूद भी आने वाले समय में वैक्सीन की कमी खल सकती है।